नमस्कार प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपका हालचाल बहुत ही अच्छा होगा. ओके उम्मीद करती हूँ कि आपका हालचाल बहुत अच्छा होगा. मेरा हालचाल बहुत अच्छा है. बहुत दिन से मैंने व्लॉग नहीं किया है. क्यों नहीं किया है? क्योंकि करने के लिए कुछ था ही नहीं. बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सादा हाउस वाइफ, कोई व्लॉग नहीं कर पाई मैं. और आज एक्चुअली बाय द वे मैंने ये मेकअप लुक शूट किया है. मोस्टली मेरे ख्याल से ऑलरेडी लाइव जा चुका होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान फिंगर्स के साथ मैंने किया है, दो आई शेडोज के साथ, ताकि आप किसी शादी वादी में ये पहन पाएं. और मेरे बालों की हालत बहुत बहुत ख़राब है. आप देख सकते हैं कितना ऑयल निकला हुआ है. बाद में धोऊंगी मैं. वैसे मेरा रिचुअल होता है कि मैं फ्राइडे को अपने बालों को पूरा मैनेज कर लेती हूँ, ताकि वीकेंड पे मुझे बालों की टेंशन नहीं हो. आप बस थोड़ा सा तैयार शैयार हो और डन. अदरवाइज यू नो बालों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है. पर सर्दियों में अच्छा होता है कि आप टोपी शोपी पहने और ऑल गुड हो जाता है. और या मेरी वीडियो डन होगी. और मैंने एक और वीडियो शूट की है जिसमें मैंने कंसीलर्स के बारे में बात की है, कि कंसीलर्स को क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, एवरीथिंग अबाउट कंसीलर्स. सो यार, मेरे ख्याल से हम लोग मेकअप रूम से डम एंड डन है. अगर आप मुझे फॉलो करते हैं ना मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं करते हो तो जल्दी से कर लें, तो आपको पता होगा कि मेरे मेकअप रूम में बहुत बहुत गंद है और मैंने नहीं क्लीन किया है, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइजिंग बास्केट्स चाहिए या फिर कुछ भी. हाँ बाहर या आई डोंट नो, ऑर्गेनाइज के लिए बास्केट्स चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए मुझे सामान को सेट करने के लिए, जो मेरे पास नहीं है. तो उसकी वजह से मैं चीज़ें कर ही नहीं पा रही हूँ. मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग आज जाएंगे ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए और डॉलर स्टोर की शॉपिंग करने के लिए. डॉलर स्टोर से लेने वाली हूँ मैं ऑर्गेनाइजिंग बिन्स और ये ट्रेज व्रेज और ड्रॉर ऑर्गेनाइजर्स और ऐसा कुछ. तो या तब मैं करूँगी क्लीन आके. जिन दिनों में मैंने व्लॉग नहीं किया, उन दिनों मैंने दो लाइक मिनी सी रेसिपी शूट की थी अपने आपके लिए. लाइक पूरी डिटेल में नहीं, पर या मोस्टली आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी. तो मैं आज दोनों ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर दूंगी इस व्लॉग में. और हम लोग हॉलीडेज प्लान कर रहे हैं. लाइक मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इंडिया नहीं जा रहे, हम लोग कहीं और जाएंगे. सो या हम लोग प्लान कर रहे हैं कहाँ पर जाएँ. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं. या दैट्स दैट. और क्या बताने के लिए है. और एक ही हिम्मत का स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है. वो पिछले दो दिन से सुबह उठते ही बोल रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, पता नहीं क्यों. एक्चुअली इतनी ठंडी ठंडी हो रही है और बेड से निकलने के लिए किसका मन करता है, या बहुत मुश्किल होता है. पर उसे प्यार दुलार से मैं उठा के तैयार करके भेज देती हूँ, चला जाता है. वैसे वो रोता नहीं है, पर कोशिश करता है कि मत जाएँ, आई एम गोना स्टे होम, दिस दैट डैट डैट डैट. अगर आप पूछने वाले हैं कि मैंने लिप्स पे क्या पहना है, मैंने कलर पॉप की लिपस्टिक पहनी है, अल्ट्रा मैट लिप लिक्विड लिपस्टिक. इसका शेड है एवेन्यू. कितना अच्छा शेड है ये शादी वाली सीजन के लिए या विंटर्स के लिए. सो या अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये है. वैसे ये मेकअप लुक मैंने की है शूट, आपने ऑलरेडी शायद देख ली होगी. और अब नीचे जाते हैं, कुछ खाते हैं. ऑलरेडी 1:45 हो गए, 12:44 हुए हैं. मुझे कुछ खाना है. ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ नहीं खाया आज, सिर्फ मैंने चाय और बिस्किट खाए हैं दो. यूजली मैं बिस्किट नहीं खाती हूँ, पर ये मेरे हस्बैंड इंडियन स्टाइल पीपे वाले बिस्किट लेके आए हैं. वो बहुत ही क्रंची एंड बहुत ही डिलिशियस है, तो वो मैं खा लेती हूँ. वो अच्छे लगे मुझे. वैसे मुझे अच्छे लगते नहीं है हमेशा, पर दिस टाइम अच्छे लगे. और आज थोड़ा सनी डे है. बहुत ही ज़्यादा बोल रही हूँ मैं एक ही सांस में. और एक बहुत ही प्यारी बात बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि तुम चीज़ें मैनेज कैसे करते हो एवरीथिंग ये वो. तो मैंने सोचा है कि एक मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए, कैसे हम लोग घर को मैनेज करें. बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले काम करना, और इसलिए मैंने कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए ढूंढे हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी. इवन जो मैं अपनी ज़िंदगी में भी यूज़ करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जल्दी ही. अगली चीज़ है कि उसमें मैं आपको अपना क्लीनिंग और अपने हाउस होल्ड चोर्स रूटीन नहीं दिखाने वाली हूँ. सिर्फ मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें. फिर मैं किसी वीडियो में आपको अपना रूटीन भी दिखा दूंगी जल्दी ही. सो अब जल्दी से नीचे जाते हैं, खाते पीते हैं कुछ और या कैरी ऑन करते हैं दिन के साथ. चलिए. ओके, सो मैं मशरूम 65 बनाने वाली हूँ. उसके लिए क्या करते हैं, बैटर बनाया है मैंने मैदे का पानी में. उसमें थोड़ा लाल मिर्च डाली है, नमक एंड काली मिर्च डाली है. इसमें मैंने मशरूम डाल लिया है. मशरूम को अच्छी तरह कोट करने के बाद हम लोग डीप फ्राई करेंगे और देन इसको लगाएंगे तड़का. ओके, अब हम लोग सॉस बनाने वाले हैं. इसमें सिर्फ अनियन एंड गार्लिक यूज़ करेंगे. उसके बाद उसमें डालेंगे टमाटो केचप, सोया सॉस एंड थोड़ा सा अजीनोमोटो. और अब हम लोग तड़का लगाते हैं. लेट्स डू दैट. सो मैं गार्लिक जार डालने वाली हूँ. बाय द वे, अगर आप जानना चाहते हैं ये कुकवेयर कहाँ से लिया हमने, तो ये हमने लिया है कॉस्को से. और गार्लिक को ना ज़्यादा कुक नहीं करना है.
अनियन डाल लेंगे। गार्लिक को थोड़ा रॉई रखना है ताकि थोड़ा फ्लेवर आए, पर मेरा जो पैन था थोड़ा ज़्यादा गर्म था इसलिए ज़्यादा जल्दी ब्राउन हो गया, पर आप कोशिश करें कि कम कुक करें गार्लिक को। अब हम इसे अच्छी तरह कुक होने देंगे, जब अनियन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम टमाटो केचप ऐड करेंगे। अनियन का कलर थोड़ा चेंज हो गया, मैं इसमें टमाटो केचप डाल दूँगी। ब्लैक पेपर और रेड चिल्ली ताकि थोड़ा स्पाइसी हो जाए। इसमें थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करेंगे। अब हम इसमें मशरूम ऐड कर देंगे और धीरे धीरे इसको मिक्स कर देंगे। पहले मैं सारी मशरूम प्लेस कर देती हूँ, देन मिक्स। आज मशरूम मेरे पास कम थी। सो हल्के से इनको फ्लेवर में कोट कर देंगे। आप ये ट्राई करके देखना, ये बहुत डिलिशियस बनती है। आपके मेहमान उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे मैं इसको सारे को कोट कर देती हूँ। रात नहीं हुए, 5:30 हुए हैं और मैं और हिम्मत जा रहे हैं, नॉट मैं, हम तीनों जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, ग्रॉसरी। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरा मेकअप रूम कितना गंदा है, मुझे डॉलर स्टोर से बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो आउटफिट ऑफ द डे है मीमी का, पता नहीं कौन सा मम्मी का ड्रेस, टैक 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 या ओके। तो हम लोग बहुत सारे डॉलर स्टोर से स्टफ़ लेके आए हैं मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए, और अलतू फालतू चीज़ें, और ग्रॉसरी भी करके आए हैं थोड़ी। और या हिम्मत अनहैप्पी है क्योंकि उसे आइसक्रीम नहीं मिली है। हस्बैंड हैप्पी हैं क्योंकि उनके शूज़ आ गए। यू लाइक योर शूज़? ओके, इट्स ओके, इट्स गुड। केड़े शूज है वो? NMD। इट्स नाइस, बट यू नॉट अ वाइट शू गाय। हां, ये वाइट शूज गाय थोड़ी है, वैसे रख लेने हैं अपने कलेक्शंस। बनना नहीं सही तो ही। मेकअप रूम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। ओह मैन, कांट सी दिस। ओके, तो मैं लेके आई हूँ डॉलर स्टोर से बहुत सारी बास्केट्स अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ओके, पिंक मुझे पसंद नहीं है, पर वाइट था नहीं उनके पास, मैंने सोचा कि जो भी लो सारा कुछ मैचिंग ही हो। ये छोटी हैं छोटी चीज़ों के लिए, और एक ये साइज़ लिया है मैंने, और एक दिस साइज़। और बाहर जो मेरे पास वो रैक सा है उस पर कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये गोल्ड वाली है, ये थोड़ी महंगी है, लाइक अदर वंस लाइक $1, पर ये $4 का है, पर ये काफ़ी प्रिटी है। और या एक बहुत ही जायंट सा लिया है मैंने, ये नीचे मेरे पास एक ड्रॉअर है जिसमें मैं रखूँगी आलतू फालतू चीज़ों के लिए। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ मिली है मुझे डॉलर स्टोर से। अगर आप जानते हैं मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ लिखना मुझे पसंद है, गेट इट डन टुमारो। सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, ये प्लानर है, वीकली प्लानर, और ख़ास है कि डेट्स नहीं है इसमें। सो आप अपने हिसाब से चीज़ें देखें कि आपको मंडे क्या करना है, ये वो, मॉर्निंग में क्या करेंगे, नून में क्या करेंगे, नाइट में क्या करेंगे, और मील्स और ये चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास करने के लिए कुछ है और आपको ये नहीं पता है कि दिन कौन सा साइन करें,
तो सम डे पे लिख लें कि सम डे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है इस वीक में. सो ये कितना ब्यूटीफुल है, और वैसे भी मुझे ऑर्गेनाइज चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है. आई गेस ये सिर्फ $2 में आया है. या अगर आप ये वॉलमार्ट या कहीं से भी लें तो ये 10 से नीचे तो कभी नहीं मिलेगा. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें डॉलर स्टोर से बहुत अच्छी मिल जाती है, और डॉलर स्टोर मेरा फेवरेट है ऑर्गेनाइजिंग की चीज़ें लेने के लिए, और ऐसी नोटबुक्स लेने के लिए, और सम टाइम कुछ डेकोरेटिव. ये कितना प्यारा मुझे वेस्ट मिला है, मैं गेस्ट रूम में रखने वाली हूँ. इसमें कुछ एप्रोप्रिएट विंटर्स की डेकोरेशन या कोई फ्लावर व्लावर. सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लिया है मैंने. और स्टोरेज के बिन्स लिए हैं, ये मैगजीन ऑर्गेनाइज़र लिए हैं मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं जिसको मुझे ऑर्गेनाइज करना है. और ये स्टोरेज बिन लिए हैं मैंने अपनी लिनन क्लोज़ेट के लिए, और टॉय बास्केट भी बन जाती है. एक्चुअली मैंने ये दो लास्ट टाइम लिए थे, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. सो ये मैं हिम्मत के रूम में भी यूज़ कर सकती हूँ. ये दो लिए हैं मैंने क्योंकि ये देखने में प्रिटी लगते हैं. और ये जो वॉश क्लोथ्स हैं माइक्रोफाइबर, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं क्लीनिंग में, और बिना ट्रेसेस के ये क्लीन करते हैं चीज़ें. तो दो लिए हैं मैंने ये. और ये जो फाइल्स होती हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए, सिर्फ एक ही बटन वाली सिंपल सी, ये भी बहुत काम आती है. कहीं पे आपको जाना है या कुछ भी आपको ऑर्गेनाइज़ करना होता है कि आपके पेपर सीधे रहें, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. $1 ओनली. ये दो ली हैं मैंने. और क्या लिया है, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे और मिला है कुछ $2 में. मुझे आप स्टिकी नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं. ये हैप्पी थॉट्स वाले स्टिकी नोट्स मिले हैं मुझे. इनके अंदर 400 स्टिकी नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्यूट से. आई शो यू जस्ट अ सेकंड. तो ये ऐसे क्यूट से स्टिकी नोट्स हैं, इस साइज़ के, बड़ी साइज़ के, और ये छोटे छोटे, ताकि आप चीज़ें अपनी देखें कि क्या करना चाहिए आपको. सो यार ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी क्यूट चीज़ें, और मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत लिखती हूँ मैं, मेरे पास बहुत सारी नोटबुक्स हैं मैम. या और क्या है, और मैंने ये लेबल्स लिए हैं, हिम्मत की चीज़ें मैं लेबल करके रखती हूँ ताकि वो गुमा नहीं दें. सो यार ये लेबल्स हैं हिम्मत के लिए, उसकी किसी चीज़ पर लगाने के लिए. मेरे पास मैंने लिए थे स्टेपल से, $10 में आए थे, आई थिंक 35 $1 में. पर वो वाले जो हैं वो वाटरप्रूफ हैं, लंच बॉक्स पे लगा रखे हैं मैंने, उनमें पानी से भी वो नहीं उतरते हैं. पर ये किसी और किस्म के हैं, लाइक किसी और चीज़ पे लगाने के लिए. सो या दैट्स दैट. आई गेस बस इतना ही सामान लिया है मैंने. और एक और मैगजीन ऑर्गेनाइज़र है, और मैं अपने रूम को चेंज करने वाली हूँ, इस मेरे ब्यूटी रूम का कलर. तो ये मैंने रोलर एंड ये लेके आई हूँ, मेरे पास कलर ऑलरेडी अवेलेबल है. सो या दैट्स दैट. अब मैं थोड़ा क्लीनिंग करना शुरू करने वाली हूँ, फिलहाल के लिए ऐसा है, देखते हैं बाद में कैसा होने वाला है. रूम की हालत अब मच बेटर है, पर अभी भी बहुत चीज़ें क्लीन करनी बाकी हैं. मुझे कई डेकोरेटिव पीस ऐड करने हैं. उन डब्बों को, लाइक वो जो रैक में है, वो नहीं क्लीन किए हैं मैंने. और ये वॉल्स के कलर चेंज करने हैं मुझे. पहले मैं सोच रही थी यहाँ पे मैं कर्टन लगा लूँ, पर अब मैंने स्किप कर दिया है कि या उसके बिना चलेगा. पर या आई एम वेरी हैप्पी क्लीन है. मुझे कारपेट भी खरीदना है. अभी मैंने ये बेड शीट से बिछा रखी है ताकि मेकअप नीचे गिर के कारपेट ना ख़राब हो जाए. सो या अभी मुझे इस रूम के लिए वाइट कारपेट खरीदना है, वाइट, या क्योंकि मैं और रंग नहीं चाहती हूँ वाइट, बट ऐसा लूँगी जिसमें कुछ कुछ और कलर्स भी ऐड हो. पर या और कोई रंग नहीं लूँगी मैं, वो ख़राब होगा तो आप उसको उठा के फेंको और नया ले लो. पर ये वाला जब ख़राब होता है तो बहुत काम करना पड़ेगा. सो या मुझे कारपेट लेना है, और अभी कुछ और डेकोरेटिव पीसेस करने हैं. पेंट पहले मैं सोच रही थी आज ही कर लूँ, पर देन मैंने सोचा कि हम लोग मे बी अराउंड हफ्ते में, एक हफ्ते में हम लोग हॉलीडेज पर जाने वाले हैं, सरप्राइज सरप्राइज. सो मैंने सोचा कि क्यों गन डालना, अच्छा है आके करूँगी मैं अब ये पेंट. पर या क्लीनिंग का काम थोड़ा ऑर्गेनाइज, अभी मैंने मेकअप को इस ड्रॉर्स में ऑर्गेनाइज कर लिया है, यहाँ पे मार्क है, ये मुझे रिमूव करना है. और ये जो गोल्डन बास्केट है, इनमें मैंने इसमें मैंने अपनी फ़िलहाल के लिए पैलेट्स रख ली हैं, पर इस बास्केट जाएंगी ये उनके अंदर. उनको भी मुझे अभी वाइट कलर करना है. बहुत काम करना बाकी है मैन, बहुत काम. पर यार थोड़ा सफाई तो ही, डब्बे डब्बे से भर के रखा था ये रूम. ओके दोस्तों, तो आज डिनर के लिए मैं बनाने वाली हूँ मलाई कोफ्ता, पर मैं कोई भी हैवी कोफ्ते का मटेरियल यूज़ नहीं करने वाली हूँ. मैं सिर्फ लौकी यूज़ करने वाली हूँ, पर उसमें मैंने बॉईल करके आलू डाल लिए हैं ताकि अच्छा फ्लेवर आए, क्योंकि आलू हमेशा डिलिशियस लगते हैं. इसमें मैंने सारे मसाले डाल लिए हैं, थोड़ी सी हल्दी भी डाली है. इसमें बेसन ऐड करके अच्छी सी कोफ्ते की बॉल्स बना लूँगी, और तब हम इसे फ्राई करेंगे शैलो फ्राई.
और देन हम इसे ऐड करेंगे करी में। सो करी की रेसिपी सेम है जैसे हम रेगुलर तड़का लगाते हैं किसी भी तरी वाली सब्जी का, पर उसमें हम लोग क्रीम एंड कैश्यू नट्स ऐड करेंगे। सो या मैं जल्दी से कोफ्ते बना लेती हूँ पहले। ओके सो कड़ी काइंड रेडी हो चुकी है, इसको मैंने कुक कर लिया है अच्छी तरह। अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। ये 35% है सो बड़ी थिक है, पर मैं थोड़ा और पानी भी ऐड करूँगी और इसको कुक होने देंगे। सो मैंने क्रीम को ऐड कर दिया है, इसको मिक्स कर देते हैं। अब हम इसे कुक होने देंगे, लाइक एक दो बार जब ये बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। ये कुक हो चुकी है, मैंने अब इसको सिम कर दिया, मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर रही हूँ। कोफ्ते थोड़े बड़े हैं ये। अब हम इसे और थोड़ी देर कुक होने देंगे, लाइक 5 to 10 minutes, और एंड में मैं इसमें ऐड करूँगी कैश्यू नट जिसको मैंने ऑलरेडी क्रश करके रखा है। वैसे तो कैश्यू नट्स फ्लेवर के लिए है, पर अगर आपकी करी बहुत पतली है तो आप इसको थिक करने के लिए भी डाल सकते हैं, पर इसका जो फ्लेवर कोफ्ते में आता है बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए। तो हमारे मलाई कोफ्ता रेडी हो चुका है, ये बहुत डिलिशियस बनता है। जो रियल रेसिपी है कोफ्ते की वो मैंने यूज़ नहीं की है, उसमें सिर्फ आलू होते हैं और उसमें अंदर नट्स डालते हैं हम लोग। मैंने बस रेगुलर कोफ्ते को मलाई कोफ्ते वाली करी में डाल दिया है, क्योंकि ये हल्का फुल्का आसान सा। अगर आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताना कैसे बने हैं। सो या दे आर डन। सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। अगर आपने इन्जॉय किया है तो आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल को क्लिक करना है, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करना है, कमेंट करना है और बहुत कुछ करना है। आप जल्दी से शुरू कर दें काम करने ये सारे। अगर आप ये रेसिपीज़ को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपीज़ बहुत ही डिलिशियस बनने वाली हो, क्योंकि ये मैंने टेस्ट किया है बहुत सारे लोगों पे, सबको ये बहुत डिलिशियस लगती है। अगर आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, एनी थिंग, literally anything. Bye, Lalu.